हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखने वाले हैं अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो लिखा था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। ये एक बहुत ही पॉपुलर वर्क है जिसमें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने हमें बताया है कि कैसे औरतों को उनके राइट्स, उनके फ्रीडम नहीं दिया जाता, और अगर वुमेन को भी उसी तरीके से राइट्स और फ्रीडम दिया जाए जैसे आदमियों को मिलता है तो डेफिनेटली वुमेन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं सोसाइटी में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वर्क के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन का पूरा टाइटल है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। इसे 1792 में लिखा गया था और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एक फिलोसोफर और वुमेन राइट एडवोकेट थी, यानी वो अपनी सारी जिंदगी औरतों के हक के लिए बात करती रहीं। और ये जो वर्क है वो फेमिनिस्ट फिलोसफी का एक बहुत ही अर्लीस्ट वर्क है, यानी कह सकते हैं कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने फेमिनिस्ट फिलोसफी के बारे में बात करना शुरू किया था। तो अपनी सारी ज़िंदगी वो फेमिनिस्ट फिलोसफी को एडवोकेट करती रहीं, फेमिनिज़म के बारे में बोलती रहीं, और उन्होंने अपनी एडुकेशन खुद पूरी की थी और इसीलिए वो जानती थी कि औरतों की पढ़ाई का क्या महत्व है। दिस वर्क आर्ग्यूज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एडुकेशन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड मैरिज। तो ये जो वर्क है जो उन्होंने लिखा है, इसमें औरतों के एम्पावरमेंट की बात की गई है कि औरतों को उनके राइट्स मिलने चाहिए एडुकेशन में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी और शादी में भी उन्हें उनके हक मिलने चाहिए। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस पावरफुल वर्क में मैरी हमें बता रही हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशन से उन्होंने ये चीज़ों को लिखा है और बहुत ही ज़्यादा विट, यानी कि बहुत होशियारी और समझदारी से उन्होंने इस वर्क को लिखा है। और वो बता रही हैं कि कैसे उस ज़माने में, ब्रिटिश ज़माने में जो वुमेन को एडुकेशन मिलती थी वो एडुकेशन ऐसी थी जिससे वो ज़रा भी जागरूक नहीं बन पाती थी, वो बस खिलौना बनकर रह जाती थी, ग्लिटरिंग ऑर्नामेंट्स यानी चमकीले गहने बनकर रह जाती थी आदमियों की ज़िंदगी में, एन अनडिग्निफाइड वे टू स्पेंड वंस लाइफ। और ये जो जैसी वो बन जाती थी वो बहुत ही अनडिग्निफाइड वे था जीने का, यानी बिना किसी सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़िंदगी थी। औरतें बस अपना सारा जीवन आदमियों के सहारे निकाल देती थी, एंड नॉट कंड्यूसिव टू डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो औरतें जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं कर पाती थी, उस तरह की होशियार या समझदार नहीं बन पाती थी क्योंकि उन्हें वैसी एडुकेशन ही नहीं दी जा रही थी। अकॉर्डिंग टू वॉलस्टोनक्राफ्ट दिस इनएडिक्वेट एडुकेशन इम्पेडेड वुमेन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो वॉलस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि इस तरह की एडुकेशन उन्हें दी जा रही थी औरतों को जो काफ़ी नहीं थी, इनएडिक्वेट थी, और इसी वजह से औरतों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इम्पेडेड यानी अधूरा रह जाता था, कमज़ोर रह जाता था, और इसीलिए वो अपनी सोसाइटल रोल्स में ट्रैप होकर रह जाती थी और बस एक उन्हें ऐसा लगता था कि उनका रोल बस अपनी फैमिली और आदमियों को खुश करने के लिए है, खाना बनाने के लिए है, बच्चे पालने के लिए है, और इस तरीके से वो काफ़ी कॉन्स्ट्रेंड और अनहैप्पी लाइफ, दुख भरी ज़िंदगी को जी रही थी सारी औरतें। Wollstonecraft had faith in reason, individualism, self-determination, and she thought that women and men were the same intellectually and spiritually. तो Wollstonecraft ये मानती थी कि औरतें और आदमी एक समान होते हैं दिमागी तौर पे, और इसीलिए जिस तरीके से आदमियों को ये हक है कि वो एक इंडिविजुअल कहलाएं, एक इंसान होने के नाते जो उनको हक मिलते हैं वही हक औरतों को भी मिलना चाहिए। She was angered by how women were educated to believe that the most important thing that could be was beautiful and that the most important thing they could do was marry. तो वॉलस्टोनक्राफ्ट को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि कैसे औरतों को जो पढ़ाई लिखाई कराई जाती है उसमें उन्हें ऐसा यकीन दिलाया जाता है कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है सुंदर दिखना और शादी करना और अपने हस्बैंड्स की देखभाल करना, लेकिन जब आदमियों को पढ़ाई लिखाई कराई जाती है तो उसमें आदमियों को ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा काम है कि तुम जो भी काम करना चाहो उसको कर सकते हो,
और मैरिज और फैमिली सेकेंडरी है, तुम सबसे पहले अपने काम को देखो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैरिज और फैमिली लेसर कंसिडरेशन है, लेस इम्पोर्टेंट है. शी कॉल्ड मैरिज अ लीगल प्रोस्टिट्यूशन. तो मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट शादी को एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन कहती हैं, सिंस इट वॉज ओनली बाय मैरिज दैट वुमेन कुड एक्वायर अ सिक्योर इकोनॉमिक फ्यूचर. तो वो कहती हैं कि शादी के जरिए औरत जो है वो अपनी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेती है. उसे ऐसा लगता है कि अब एक आदमी है जो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा, उसकी देखभाल करेगा. और एज देर एडिक्वेट इन एडुकेशन प्रिपेयर देम फॉर नथिंग बेटर दैन बींग वाइफ्स. तो उस जमाने की एडुकेशन ऐसी थी कि जो औरतें थी वो वाइफ से बढ़कर कुछ बन ही नहीं पाती थी. विमेन शी रोड वेर क्रिएटेड टू बी द टॉय ऑफ मैन हिज रैटल एंड इट मस्ट जिंगल इन हिज ईयर्स. तो वो कहती थी कि उस जमाने की एडुकेशन ऐसी थी कि उससे जो औरतें थी वो कुछ भी बेटर नहीं बन पाती थी, बस इंसान की ज़िंदगी का खिलौना बनकर, एक झुंझुना बनकर रह जाती थी जो हमेशा उस आदमी के कान में गूंजती रहती थी. और वो आदमी चाहे जब चाहे वो उस औरत को बुलाकर अपने आप को एम्यूज़ कर सकता था, अपना मन बहला सकता था उस औरत के ज़रिए. तो वो औरत बस एक झुंझुने की तरह थी उस आदमी की जिंदगी में. विथ राइट्स कम ड्यूटीज. वॉलस्टोन क्राफ्ट आर्ग्यूड दैट इफ वुमेन्स नेचुरल राइट्स वेर नॉट रिस्पेक्टेड, सोसाइटी कुड नॉट एक्सपेक्ट देम टू फुलफिल ड्यूटीज. तो राइट्स के साथ ड्यूटीज भी आती हैं. तो वॉलस्टोन क्राफ्ट कहती है कि अगर आप औरतों को उनके हक नहीं दे सकते तो उनसे ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपनी ड्यूटीज को उसी तरीके से निभाएं जैसा कि वो आज निभा रही हैं. इन अ वे दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू लिविंग अ वर्चुअस लाइफ. तो वो कहती हैं कि औरतें इतने अच्छे से अपनी ड्यूटीज फुलफिल करती हैं तो आप यानी कि सोसाइटी उन्हें अपने राइट्स तो दे. इंस्टेड ऑफ एडुकेशन बेंट ऑन बेस्टोइंग चार्म एंड रिफाइनमेंट, गर्ल शुड रिसीव एन एडुकेशन इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजन. तो मैरी कह रही हैं कि हमें ऐसी एडुकेशन नहीं देनी चाहिए औरतों को जिसमें उन्हें बस सुंदर दिखना, चार्मिंग दिखना और रिफाइंड दिखना सिखाया जाता है. इंस्टेड लड़कियों को हमें ऐसी एडुकेशन देनी चाहिए जिससे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाए, सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो पाए, रीजन करने की शक्ति डेवलप हो पाए. अकॉर्डिंग टू वॉलस्टोन क्राफ्ट दिस वुड अलाउ देम टू थिंक रैशनली. तो वॉलस्टोन क्राफ्ट कहती हैं इससे जो औरतें हैं वो रैशनली सोचना सीख जाएंगी, अपने खुद के इंटरेस्ट, अपनी खुद के हॉबीज डेवलप करना सीख जाएंगी और फिर उन्हें बहुत ही आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा. इट वुड ऑल्सो इनेबल गर्ल्स टू लुक आफ्टर देयर सोल्स बिकॉज विथ रीजन दे वुड बी एबल टू टेल राइट फ्रॉम रॉन्ग. और इस तरीके से औरतें अपना खुद का ख्याल रखना सीख जाएंगी क्योंकि उन्हें रीजन करना आ जाएगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है और कैसे कोई उनके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है. ये उन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा और किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वॉलस्टोन क्राफ्ट एडवोकेटेड फॉर एन इम्प्रूव्ड एडुकेशनल करिकुलम. इसीलिए वॉलस्टोन क्राफ्ट कहती हैं कि जो सिलेबस है, करिकुलम है, पढ़ाई है, उसे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को ऐसे एडुकेशन सिस्टम को बनाना चाहिए जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ाई लिखाई कर सकें. अ प्रॉपर एडुकेशन वुड ट्रीट वुमेन एज फुली ह्यूमन द इक्वल्स ऑफ मैन. तो अगर एक प्रॉपर एडुकेशन दी जाती है औरतों को तो वो आदमियों की तरह ही केपेबल बन जाएंगी एंड वुड इक्विप देम टू बी बेटर वाइव्स. और वो और ज़्यादा बेहतर वाइव्स, मदर्स और सिटीजन्स साबित होंगी. वॉलस्टोन क्राफ्ट असर्टेड वुमेन्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ वुड कम फ्रॉम लर्निंग. तो औरतों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा अगर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने लिखने लगेंगी और रीजन करने लगेंगी रादर देन अपने अपियरेंस पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा. तो वो कहते हैं कि बस सुंदर बनने से कुछ नहीं होगा, औरतों को ठीक तरीके से पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है और सोसाइटी को उन्हें उनके हक देने चाहिए ताकि वो उस तरह की पढ़ाई लिखाई कर सकें. वेन वुमेन हैड एजेंसी एंड वेर देयरफॉर हैप्पियर, सोसाइटी वुड इम्प्रूव. तो जब औरतों को ये मौके मिलेंगे तब अपने आप औरतें खुश हो जाएंगी और सोसाइटी भी इम्प्रूव हो जाएगी. वॉलस्टोन क्राफ्ट अपील फॉर द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन. तो वो चाहती हैं कि औरतों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले
और उन्हें अलाउ किया जाए बाकी के फील्ड्स में काम करने के लिए, फिर चाहे वो मेडिसिन हो यानी कि डॉक्टर बनना हो, नर्स बनना हो या बिजनेस करना हो. नॉट ओनली वुड सोसाइटी हैव द बेनिफिट्स ऑफ वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, बट सिंस दे वुड नाउ बी एबल टू सपोर्ट देमसेल्व्स, वुमेन वुड बी एबल टू मैरी आउट ऑफ ट्रू अफेक्शन. तो मैरी कहती हैं कि इस तरीके से सोसाइटी को औरतों का कंट्रीब्यूशन भी हासिल होगा, क्योंकि औरतें भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगी और अपने आप को सपोर्ट भी कर पाएंगी. तो अब औरतें जो है वो ट्रू अफेक्शन यानी प्रेम की वजह से शादी करेंगी, ना कि बस इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से यानी इसलिए कि कोई उनकी देखभाल करे. मैरिज शी सेड शुड बी बेस्ड नाइदर ऑन फाइनेंसेस नॉर ऑन अपीयरेंसेस बट ऑन फ्रेंडशिप. तो मैरी कहती हैं कि जो मैरिज है, शादी है, वो पैसे की वजह से या सुंदरता की वजह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ्रेंडशिप की वजह से होनी चाहिए. और इस तरीके से यहाँ पर इस वर्क की समरी खत्म हो जाती है. आई होप आपको ये समझ में आई होगी अच्छे तरीके से, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.